हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के दिन भी मार्केट का सेंटिमेंटल कुछ अच्छा नहीं है एज वेल एज अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से तब भी मार्केट का सेंटिमेंटल अच्छा नहीं है सुबह मार्केट पॉजिटिव डायरेक्टरी में खुलती हुई दिखाई दी ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक बार सब कुछ चेक कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं निफ्टी फिफ्टी तो देखिए वो भी ऊपर खुल के यहाँ पर नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दी है आज के दिन में और फिर यहाँ पर निफ्टी निफ्टी फिफ्टी तो यहाँ पर रिकवरी लगभग होती हुई दिखाई दी है निफ्टी फिफ्टी एक अगर बात करें

सपोर्ट ले लिया है यहाँ पर जो इसका प्रीवियस सपोर्ट थे तो यही इसी तरीके से हम प्राइवेट पॉइंट को कंसिडर करके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गिरावट हो सकती है बाकी ऊपर के लिए तो देखिए यहाँ पर पूरा खुला हुआ है यहाँ पर ऊपर जितना चाहे उतना जा सकती है तो डरने की भी जरूरत नहीं है बट अगर बात करें थोड़ा सा फियर इसलिए लगता है क्योंकि जब हम देखते हैं अपने पोर्टफोलियो को तो उसमें स्टॉक्स में ट्वेंटी ट्वेंटी का एज वेल एज हम बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो की तो वहां पर भी हमें लॉस होता हुआ दिखाई देता है कि वहां पर नेगेटिव आ गया है हमारा जो कल तक पॉजिटिव चल रहा था हरे निशान में हमारा पोर्टफोलियो था आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव यहां पर सब चीज दिखाई दे रही है एज वेल एज हम बात करते एक बार निफ्टी स्मॉल uh, कैप की तो यहाँ पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 फिफ्टी की ही बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आया अच्छा खासा बट इसने यहाँ पर ही सपोर्ट ले लिया आज अभी की डेट में जो ये चल रहा है इसी डेट पे सपोर्ट सपोर्ट लिया है जो कि लास्ट टाइम यहाँ पर नीचे तक आया था तो ये थोड़ी सी गिरावट देखिए चलती रहती है मार्केट है तो मार्केट में यहाँ पर चलती रहती है बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इसी तरीके से नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है यहाँ पर दोबारा से ऊपर यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्टॉक ज्यादा गिरते भी है यहाँ पर रिस्क भी होता है बट जैसे भागते हैं तो पर जिस तरीके से यहां पर ये इंडेक्स भागता हुआ दिखाई दिए इसी तरीके से अलग अलग स्टॉक्स यहां पर दिखाई दिए थे तो अगर हम बात करें हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए तो ये इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कि आपका जो स्टॉक्स है आपके पास वो किसके मैं बार बार अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है और हर बार हर वीडियोस में आपको यहाँ पर इस वीडियो में भी बताया है कि आपको क्या करना चाहिए आपके स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कभी भी ये चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि निफ्टी फ, निफ्टी फिफ्टी भाग रही है या मिड कैप स्टॉक्स भाग रहे हैं या गिर रहे हैं या स्मॉल कैप गिर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता तो इसी तरीके से आज से हमने क्या शुरू किया है जब तक

आपको डेली बेसिस में मिलती रहे एज एज वेल पर यहां पर बहुत सारे आते रहते हैं उन वीडियोज को देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपन कराए फ्री में एज वेल एज वहाँ पर जाके और भी बहुत सारे विडियोज के लिंक है जाके आप यहाँ पर जा सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ और एक एक करके हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड आरती इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर डी मर्जर, डी मर्जर से रिलेटेड यहां पर न्यूज है बट अगर फिर भी हम बात करें तो यहाँ पर पहले एक बोनस होता हुआ दिखाई दिया तो यहां पर, गिरता दिया, शेयर। फिर रिकवर हुआ। पर फिर अच्छा खासा बट अगर पर गिरता हुआ नजर तो आ रहा है तो देखिए लार्ज कैप इंडस्ट्री में नहीं आता है ये भी देखिए हाँ ये लार्ज कैप में आ रहा है मार्केट कैपिटल बट यहाँ पर एक बार डी मर्जर हो जाएगा तो देखिए जब शेयर की बात करते हैं तो देखिए अलग अलग शेयर में गिरावट होती रहती है कभी इस शेयर में गिरावट हो रही है कभी उस शेयर में गिरावट हो रही है बट ओवरऑल अगर हमें यहां पर देखें, तो हमें दो चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज की तो सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न कि उसको चार्ट पैटर्न किस तरीके से है बेहतरीन चार्ट पैटर्न के तो ऐसी आपको कभी -कभी मिलती है। और इस बार कुछ ज्यादा यहाँ पर भागी भी थे थोड़े बहुत करेक्शन भी यहाँ पर होने मुमकिन थे एस एस भी, पर आपको पता केमिकल से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है बाकी हम यहाँ पर दो तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान है। आपको एक तो इनके की तरफ ध्यान देना है कि किस तरीके से एज वेल एज यहाँ पर आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो देखना है कि यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है या नहीं क्योंकि हम जब भी हमने जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, वो मोस्टली अगर बात करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ऐसी कंपनी तो ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो वो आप वो आपको थोड़ा सा हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ वन मंथ टू मंथ सिक्स मंथ वन ईयर शायद आपको परेशान करे बट एट द टाइम वेन दे विल स्टार्ट मूविंग तो वो इस तरीके से मूव करना शुरू करेगी कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर देती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पर एफ आई एस डी आई एस ने भी यहाँ पर बाइंग करी है थोड़ी सी से सेलिंग करी है तो इस तरीके से आप यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेते हैं यहाँ पर तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली exactly यहाँ पर कंपनी कर क्या रही है थोड़ा सा यहाँ पर इसे और छोटा कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा इसने मल्टी बैगर रिटर्न दी है और आप इनकी हिस्ट्री देख देगी कि कंपनी इस तरीके से साइड बाई जोन में काफी बार चली है यहाँ पर देखिए एक साइड बाई जोन यहाँ पर भी था यहाँ पर अच्छा खासा दो से लेकर दो तक मतलब दो साल तक कंपनी ने मूव नहीं किया बट जब इसने मूव करना शुरू किया तो एक बारी में इसने अच्छे खासे यहाँ पर चालीस मतलब अगर बात करें तो आपके पैसे को दो दो तीन तीन गुना करके चार चार गुना करके दिया है तो ये कंपनियां हो सकता है देखिए यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर साइड बाई जोन में चले

कंपनी से रिलेटेड बातें करते हैं क्योंकि उस कंपनी से रिलेटेड हमने भी यहां पर वीडियो बनाई थी और अगर हम देखें तो अच्छे खासे रिटर्न हमें उस टाइम यहाँ पर मिलते हुए नजर आए थे हमने यहाँ पर ही ये शेयर खरीदा था आज की डेट में उसी के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने हमें 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अच्छे खासे 30 परसेंट के रिटर्न दे दिए थे बट हमने बेचा नहीं था जस्ट बिकॉज हम वेट कर रहे थे शायद अच्छे खासे रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर और एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है बट वहाँ से एक तो स्मॉल कैप में बिक्री भी आ गई यहाँ पर एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट भी थोड़े फीके रहे तो यहाँ पर हम देखे तो कंपनी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई और एक कंसिस्टेंट गिरावट होती नजर रही है एक बार सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये देखिए ये भी एक डीमर्ज हुई थी किससे आरती इंडस्ट्रीज़ से डीमर्ज हुई थी और अभी यहाँ पर अगर बात करें आरती सरपेंटेंट अच्छा खासा यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे रिटर्न यहाँ पर देख चुका है बट अगर सपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर अगर हम बात करें एक अभी इसी के आसपास पास यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं बारह के आसपास सपोर्ट है यहाँ पर देखते हैं कितनी गिरावट होती है बट यहाँ पर मुझे लगता है बारह के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है ज़्यादा यहाँ पर गिरना नहीं चाहिए यहाँ पर टू हंड्रेड तक शायद ये शेयर और भी यहाँ तक भी आ सकता है ये भी एक सपोर्ट ग्यारह का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर इससे भागा था ये शेयर बाकी टू हंड्रेड डी पर आर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शायद आर एस तक भी आ सकती है जो कि थर्टी चल रही है तो हमें सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है

हम अगर घाटे में स्टॉप लॉस लगा के इस तरीके से बेचते रहेंगे अपने स्टॉक्स तो हम कभी भी स्टॉक मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते गिरावट हो रही है कोई इशू नहीं है थोड़े से यहाँ पर टॉलरेट करिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में भी गिरावट हो रही थी मैं आपको बताऊँ तो इस तरीके से निफ्टी फिफ्टी भी नहीं चल रहा था तो निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पर से इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक अच्छी खासी गिरावट हुई है दो महीने तक और फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जब रिकवर होना शुरू किया है तब यहाँ पर आज का आज की डेट में अच्छे खासे रिटर्न दिया है तो इस चीज़ को हमें देखना होगा यहाँ पर हर सेक्टर में गिरावट होती है सेक्टर रोटेशन होता है अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पर बिकवाली चल रही है बट मुझे लगता है कि छः महीने से एक साल के अंदर अंदर दोबारा यहाँ पर जब निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप में यहाँ पर जब चेंजिंग होना शुरू होंगे निफ्टी फिफ्टी गिरना शुरू होगी तो कहीं ना कहीं तो पैसा लगेगा और अच्छे खासे स्टॉक्स में ही पैसा लगेगा इन्हें शायद थोड़ा सा गिरा के छोटे कम लेवल पर वो खरीद सकते हैं बट उसके बाद भगाना शुरू करेंगे तो आपको फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड परसेंट के मतलब इस तरीके से शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो आरती सर्फेक्टेंट भी उसी कैटेगरी में आता है आरती सरफेक्टेंट की अगर हम बात करें तो आरती सरफेक्टेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए ये स्मॉल कैप कंपनी है ओके डी मर्ज हुई थी अभी स्मॉल कैप कंपनी और स्मॉल कैप में तो ज्यादा गिरावट हो ही रही है आपको पता ही है मुझे भी पता ही है हमने यहाँ पर हर स्टॉक से रिलेटेड पर यहाँ पर देखा भी है बट अगर देखे परफॉर्मेंस वाइज तो क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर, पर कंपनी के अच्छे खासे परफॉर्मेंस है एज वेल ईयरली बेसिस पर भी कंपनी अच्छा खासा तीन साल का हमें हमारे पास डेटा है तो उसमें अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रही है बाकी यहाँ पर देखें तो एफ आई की होल्डिंग है यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है पब्लिक के पास थोड़े से यहाँ पर शेयर ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं बट इशू नहीं है कंपनी जब तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तब तक, तक इसके साथ बने हुए और हम पास्ट देख रहे हैं कि कंपनी ने पास्ट में भी परफॉर्म करके दिखाया तो आगे भी परफॉर्म करके दिखाएगी और जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो एफ सेक्टर के लिए यहां पर केमिकल्स बनाती है एफएमसीजी सेक्टर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी भी चलती रहेगी इसके अलावा एक और कंपनी की बात करेंगे जिसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हमने तीन सौ रुपये पे तीन सौ साढ़े तीन सौ पे स्टॉक बताया था इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया बट हमने यहाँ कर बात करें तो यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर अभी स्मॉल कैप में बिकवाली हो रही है देखिए हम हमारी कोई गलती नहीं है हमने यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर आ, शेयर लिया था ओके बट अगर हम देखें यहाँ पर अभी बिकवाली आ रही है बट अगर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ये यह, यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न दिए इस बार के थोड़े से डल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आप समझ ही सकते हैं कोविड के इशू था बट अगर हम बात करें एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है जब ये सब चीज़ यहाँ पर कंपनी दिखा रही है तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी आपको थोड़े टाइम के लिए परेशान कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल कैप में है जब तक ये स्मॉल कैप में है यहाँ पर अगर देखें तो स्मॉल कैप कंपनी हमें नजर आती है ये करोड़ का पर मार्केट कैप है तो देखिए एक साइड पर देखिये पर देखिये तो पांच सौ रुपए का स्टॉक ये उन्यानवे में था उसके बाद यहाँ पर दो साल तक सॉरी एक साल तक यहाँ पर कंपनी ने कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाया केवल उसी दायरे में था फिर उसने एक साथ एक साथ भागता हुआ दिखाई दिया देखिए छह से एक साथी नाइन रुपीज पे गया फिर सेवेंटी नाइन से यहाँ पर दस साल तक बात कर सकते हैं कि

मुझे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर इसे होल्ड करके रखिए बेहतरीन कंपनी है इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कंपनी के रिलेटेड बात कर लेते हैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड आपको बताते हुए दिखाई दिया था एडवांस एनजाइम से रिलेटेड इससे रिलेटेड भी हम एक बार इस वीडियो में बात कर लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट देखिए एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी ये कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हर एक वीडियो कर का कर रखा है सबका लिंक ऊपर दे दूंगा आप देख लीजिएगा बट अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे एज वेल एज ईयरली बेसिस पे टाइम परफॉर्मन रही है ऐसी कंपनी क्या करती है ऐसी कंपनी आपको थोड़े टाइम के लिए शायद थोड़े टाइम के लिए आपको परेशान कर सकती है बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी चलेगी नहीं ये कंपनी जब भी चलती है बेहतरीन रिटर्न देखे जाती है जैसे कि अभी भी रिटर्न देखे गई है अभी एक साइडवेज जोन में चल रहा है ये शेयर यहाँ पर इसके अच्छे खासे रिजल्ट भी आ रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए यहां पर आपके पैसे दुगने डेफिनेटली होंगे शायद आपके शायदेंट को यहाँ पर टेस्ट कर सकती है कंपनी इस कंपनी को आए हुए भी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है तो यहां पर इस चीज को देखिए दो से देख रहे हैं एक साइडवेज यहां पर गिरावट थी बट कंपनी के रिजल्ट इस बार के अच्छे आए हैं कंपनी अब यहाँ पर से थोड़ी बहुत यहां पर करेक्ट हो रही है हो रही है बट यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट भी है इसके अगर हम बात करें सबसे इसने एक सपोर्ट तो यहाँ पर ले ही रखा है जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आ रहा है नीचे की तरफ

पर देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में कंपनी बेहतरीन है अगर इसका भी यहाँ पर एक बार चार्ट पैटर्न देखे तो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं हमें पर तो आप यहां पर देखिए एक अच्छी खासी एक महीने से आप कह सकते हैं गिरावट होती हुई नजर आई है सात परसेंट की बात अगर देखें तो कंपनी ने पर ऑल ट्वेंटी नाइन बट अगर हम देखें कंपनी ने जब से अभी से चलना शुरू किया है तो यहां पर अच्छे खास मल्टीपैक रिटर्न तीन सौ चार सौ के रिटर्न एक बारी में ही देती हुई नजर आती है तो कंपनी थोड़ी सी करेक्ट हो सकती है मुझे लग रहा है थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है क्योंकि जब तक स्मॉल कैप मिड कैप में बिक वाली है तो ऐसी कंपनी भी इस तरीके से बिहेव करती है क्योंकि ये भी अगर बात करें यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है बट जब भागना शुरू करेगी तो इसी तरीके

ऐसा नहीं होता मार्केट में बने रहना एक सॉल्यूशन होता है तो मार्केट में बने रहिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस